किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज हम आए हैं सरवा घाट में। एक युवा किसान हैं जो गन्ने की खेती किए हैं, बहुत ही गजब गन्ने की खेती किए हैं। कौन सी वैरायटी है, कब लगाया था, इसके बारे में पूरी जानकारी हम भैया से लेते हैं और जानते हैं। और गन्ना पहले आप लोग देख सकते हैं कैसा गन्ना है और कितना बड़ा बड़ा है। आज कितनी तारीख है भैया? 30 तारीख, 30 तारीख है ये, 30 मई, 30 मई का ये गन्ना है। आप देखिए बहुत ही गजब का गन्ना हुआ है और फुटाव ब्यास और इसका ये देख सकते हैं कितना मोटा मोटा तैयार हुआ है। अगर पत्ती हटा दी जाए तो कम से कम 5-6-7 गुल्ला इसमें तैयार हुआ है। तो इस तरह से है गन्ना। तो हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए आप। हमारा नाम नीलमणि सिंह जी, सरवा घाट ग्राम जी। और अच्छा ठीक है, ये गन्ना कौन सी वैरायटी है भैया? ये गन्ना 14201 है। 14201, कब लगाया था इसको आपने? ये अक्टूबर में। अक्टूबर में लगाया था। तो कैसे इसकी कटिंग करके बड़ जमा करके लगाया था ऐसे गन्ने की बोए? बड़ जमा कर पौधा। बड़ जमा करके पौधा। अच्छा तो इस तरह से है, बड़ जमा करके इसका पौधा बना करके लगाया गया है। और कितनी दूरी पर लगाया था इसको आपने? 1 फुट। 1 फुट पर, पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट। अच्छा बहुत बढ़िया, 1 फीट पर लगाया गया था। आप देखिए कहीं पता ही नहीं चल रहा है कि 1 फीट का जो गैप था वो सब ख़त्म हो गया है, बिल्कुल गन्ने गन्ना दिख रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से है। तो थोड़ा गन्ना के बारे में बता दीजिए, इसको इसके साथ में कोई और फसल आपने लगाई थी? हाँ पहले तो जब ये गन्ना लगाया गया तो इसमें फसली साथ में खीरा था। अच्छा खीरा था। हाँ खीरा फिर खत्म हो गया, 1 महीने फसल था जी। उसके बाद फिर इसमें सरसों बोई गई पीली। अच्छा पीली सरसों लगाया था। आधे अच्छा। में सरसों आधे में गेहूं। अच्छा मूली वगैरह भी करते हैं कुछ लोग? थोड़ा मूली भी था इसमें। अच्छा मूली भी था इसमें। तो ये कितना बड़ा प्लाट है, कितने एकड़? 4 बीघा। 4 बीघा, 4 बीघा का प्लाट है। इसमें खीरा मूली और सरसों तीन फसल लिया गया है थोड़ा थोड़ा करके, और फिर उसके बाद गेहूं भी कुछ लगाए थे। अच्छा तो इस तरह से है। अच्छा उसके बाद आपने गुड़ाई फिर बाद में करवाई, कितनी गुड़ाई कराया है इसका? गुड़ाई इसकी 3-4 बार हुई, 3 बार मिट्टी चढ़ी इस पे। 3 बार मिट्टी चढ़ी, 4 गुड़ाई हुआ। और सिंचाई तो लगातार जैसे नमी की जरूरत पड़ी वैसे डालते रहे। और खाद के बारे में कुछ बता दीजिए। खाद इसमें यूरिया बस 1-2 बार पड़ा है। अच्छा कोराजन वगैरह? कोराजन पड़ गया। कोराजन पड़ा है। अच्छा मिल कुछ लोगों को सब्सिडी के माध्यम से कुछ खाद देती है, तो आपने भी लाया था, डाला था उसको? बायोपोटास। हाँ, बढ़िया काम करता है। छोड़े थे काम तो ही है उसका। अच्छा काम है। तो इस तरह से है। तो क्या उम्मीद है कि कितना गन्ना पैदा कर लेंगे आप 1 बीघा के हिसाब से, 1 एकड़ के हिसाब से? लोगों का जैसे अंदाज है इसमें बीघा, कच्चा बीघा, 8-20 आला। हाँ 8-20 में वही 120-30। अच्छा 120-30 क्विंटल अनुमान। अच्छा बहुत अच्छी पैदावार है। हाँ उसके ऊपर भी हो सकता है। अच्छा ऊपर भी हो सकता है, इस तरह है मतलब इसका बढ़ाव। हाँ फुटाव। अच्छा तो हो सकता है। अच्छा हमने सुना है आप ज़्यादा बीज में गन्ने की बेचते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा हमारे पास करीब 6-7 बीघा था 14201 अब की बार में। अच्छा सब बीज में पूरा टोटल बीज में गया है। टोटल बीज क्या रेट जाता है लगभग? अब पौधा तो हम लोग 2.5 से 3 रुपए पौधा बेचते हैं, मतलब उसका बड तैयार करके। हाँ, कोकोपीट में लगा कर। हाँ, 1 महीने के बाद। अच्छा 1 महीने बाद, 1 महीने की जो नर्सरी हो जाती। हाँ, है उसको आप 3 रुपए में। हाँ, पर नर्सरी देते हैं? देते हैं। अच्छा और तो गन्ना मतलब लेकर जाए जिसे, अगर कोई किसान ऐसे काट कर ले जाए? हाँ तो 1 रुपए आँख के हिसाब से उसको भी 1 रुपया बड समझ लीजिए। अच्छा क्विंटल में नहीं बेचते हैं? क्विंटल में, कुंटल में नहीं बेचते हैं। तो अगर हमारे किसी किसान भाई को गन्ने की वैरायटी चाहिए तो भैया से संपर्क कर सकता है। कौन कौन सा वैरायटी का गन्ना आपके पास इस समय है? 14201 है जी, और 15201 है। अच्छा और 0118 है। 0118 है। 13235 था वो खत्म कर दिया। अच्छा उसको खत्म कर दिया। तो चलिए ठीक है, एक बार अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए भैया। 9628 जी 57-85-90। 9628 57-85-90 ये नंबर है। अगर किसी किसान भाई को भविष्य में बीज की आवश्यकता हो तो भैया से इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। बहुत ही अच्छी बीज यहाँ पर मिलेगी, आप बट के हिसाब से ले लीजिए या आँख जमा करके जमा जमाया ले लीजिए, कोकोपीट में आपको मिल जाएगा, या ऐसे ही काट कर अगर चाहते हैं आप तो वो सस्ता पड़ जाएगा आपके लिए, आप उसे भी ले सकते हैं। कुंटल के हिसाब से नहीं मिलेगा,
हमारे समझ से देखिए इस पर तीन बार मिट्टी चढ़ाया गया है और गुड़ाई भी हुई है, सह फसली के तौर पर दो तीन फसल इसमें ली गई है। तो इस तरह से है गन्ने की खेती। आपको ये गन्ने की खेती कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई खेती के बारे में जानकारी लेकर के। तब तक हम किसान भाइयों से विदा लेते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, जय जवान जय किसान।